नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन के अंदर। एसएससी 2024 के बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं और हमारी पूरी तैयारी है इस चीज को लेकर कि बच्चों का कुछ भी एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। आज मैं आपके सामने एक सेशन लेकर आया हूं जो है एवरेज पे आधारित। एवरेज पे ना काफी नए सवाल पूछे जा रहे हैं और नए के साथ साथ ये तगड़े सवाल भी हैं, केवल नए नहीं है, ठीक है, अच्छे सवाल हैं, दमदार सवाल हैं और लगातार रिपीट होंगे एग्जाम में, ठीक है। ये आम तौर पे किताब पे आपको नहीं मिलते हैं, पर लेकिन ये करके जाने बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास, आज का सेशन। गिनती के चार सवाल हैं बस, ठीक है, और दमदार सवाल हैं, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, ठीक है, ये जीडी में आया है, देखिए, है कहने को तो जीडी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं, अगर वो ये है सीजीएल 2023 प्री का, और अगला देखते हैं सीएचएसएल का सवाल है, ये एसएससी सीएचएसएल का अगला सवाल, ये भी एसएससी सीएचएसएल का है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, चार ही सवाल है और चारों दमदार सवाल है। सबसे पहला ये क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति जिसका वजन 40 किलोग्राम है वो किसी ग्रुप को ज्वाइन करता है तो वजन 1 किलो बढ़ जाता है औसत वजन, और यदि इसकी जगह 28 किलो वाला आता तो एवरेज 1 किलो कम हो जाता, ठीक है। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि n लोग हैं और a एवरेज है, ठीक है। जब सम निकालें पहले वाले लोगों का तो n a हो गया टोटल, इसमें 48 वाला जुड़ गया, ठीक है। अब वो बोलता है औसत 1 बढ़ गई, ये बढ़ गई औसत 1, और लोग कितने हो गए, लोग हो गए एन प्लस वन, ठीक है। 48 नहीं, 40 है, ये 40 है। देखो भाई, एन लोग थे और ए एवरेज था, टोटल कितना था एन ए, जब 40 वाला आया तो लोग हो गए एन प्लस वन, तो औसत कितना हो गया, ए प्लस वन हो गया। वहीं अगर उसने दूसरी चीज पूछी, बोली कि भैया अगर 28 होता 40 वाले की जगह, तो भी भाई औसत निकालोगे तो n प्लस वन ही डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि लोग तो एक ही बढ़े, तो औसत यहाँ पर एक कम हो जाता, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन बनती है, इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके क्वेश्चन को किया जाता है। हम इसमें और तरीका देखते हैं, आइए देखते हैं, ध्यान से बात समझना। इसके आगे तो आप सभी लोग कर ही लेंगे, इक्वेशन ही बनानी है। हम देखते हैं क्या इसमें कुछ छोटा तरीका हो सकता है। देखो क्या कह रहा है, वो कहता है कि भैया एवरेज एक बढ़ जाता है, ए से एवरेज प्लस वन हो जाता है, ए प्लस वन हो जाता है कब, जब 48 किलो वाला ज्वाइन करता है, ठीक है। और एवरेज एक कम हो जाता है, ए माइनस वन हो जाता है जब 40 है ये, ठीक है, और ये 28 है, ठीक है। अब आप ध्यान से बात समझना, 40 और 28 में अंतर कितना है भाई, या तो मैं 40 किलो वाला जोड़ू या 28 किलो वाला जोड़ू, तो टोटल में जो अंतर आ रहा है कितना आ रहा है, 12 का अंतर आ रहा है, ठीक है जी। ये टोटल में अंतर आ गया 12 का। एवरेज में कितना अंतर आ रहा है, एवरेज में 1 और 1 हो गया 2, क्योंकि a माइनस 1 और a प्लस 1 में कितना अंतर है, 2 का। इसका मतलब है लोगों की संख्या क्या होगी, 12/2 यानी 6, ठीक है, यानी अब 6 लोग होंगे एक बंदे के आने के बाद, ठीक है, यानी पहले कितने रहे होंगे, पहले लोग रहे होंगे 5, ठीक है। ये मैंने आपको लिख के बताया, पर इसमें लिखने की तो जरूरत ही नहीं है, तो यही दिख जाएगा कि भैया 12 का अंतर आ रहा है, एक ज्यादा है और एक कम है, तो एवरेज में जो चेंज आ रहा है वो कितना है, 2 है, और टोटल में जो चेंज आ रहा है वो कितना है, 12 है, क्योंकि हमारा एन अगर निकालते हैं तो हम क्या बोलते हैं, सम बटा एवरेज, ठीक है। तो सम में चेंज देख लेते हैं, वो ऊपर लिख देते हैं, एवरेज में चेंज देख लेते हैं, वो नीचे लिख लेते हैं, और उससे n निकल जाता है। तो यानी n की वैल्यू 6 आ गई, कब आई, जब एक व्यक्ति हमने जोड़ा, यानी पहले कितने लोग थे, 5 लोग थे। पर ये 5 तक तो अगर आपको ये तरकीब पता है तो आप बिना पेन के ही पहुंच जाओगे। अब आगे कैसे निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया है, उसने एक्चुअल एवरेज वेट पूछा है ग्रुप का, ठीक है। चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा, मैं ये सब डिलीट कर देता हूँ। मुझे लोगों की संख्या पता लग गई 5, ठीक है, 5 लोगों की संख्या थी पहले, तो औसत था 1,
एक और शामिल हुआ 40 किलोग्राम वाला, तो औसत कितना हो गया, ए प्लस वन हो गया। ठीक है, मैं एलिगेशन भी लगा सकता हूँ, मैं वैसे भी कर सकता हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इक्वेशन बना के। तो 5A प्लस 40, ठीक है, ये आ गया 5A प्लस 40 बराबर हो जाएगा किसके, 5 और एक 6, 6A प्लस 1 के, यानी 6A प्लस 6 के। अब मैं A के लिए सॉल्व करूँगा, A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34 आ जाएगी, 34 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़िया सवाल है, ये कैलकुलेशन करने गया तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, ये चीज़ तो आप दिमाग में ही करिए। 12 और 2 यानी 6, पहले रहे होंगे लोग 5, ठीक है, तो 5 के हिसाब से हमने इक्वेशन बना ली कि 5 लोग थे पहले, अब 6 हो गए। ठीक है, एक और बढ़ गया, वो मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। आगे देखिए, ये चीज़ भी दिमाग में हो सकती है, कई बच्चे ये भी दिमाग में कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, और लाजवाब सवाल है, नया सवाल है। ठीक है, सीजीएल 2023 प्री में आया है। राघव के अनुसार उसका वेट 64 किलो से ज्यादा है परंतु 74 किलो से कम है, ऐसा राघव बोलता है। ठीक है, देखिए कैट वेट में तो ये क्वेश्चन आता ही था, पर अब एसएससी में भी आने लगे ऐसे सवाल, और एवरेज में बहुत ज्यादा चेंज आया है। ठीक है, पर उसकी बहन उससे नहीं एग्री करती है, वो कहती है कि उसका वेट 60 से तो ज्यादा होगा पर 69 से कम होगा। ठीक है जी, उसकी माँ बोलती है कि भाई उसका वेट 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, कुछ भी कह लो, लिख के ले लो। ठीक है, उसका जो वजन है वो 68 से ज्यादा नहीं हो सकता, या तो छोटा होगा या बराबर होगा। उसके पिताजी का कहना है कि भैया उसका जो वजन है वो 67 से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी लेस देन इक्वल्स टू 67 मानो। ठीक है, ये उसके पिताजी का व्यू है। अब यहाँ पर एक चीज बोली है कि भैया सभी के सभी लोग करेक्ट है अपने एस्टिमेशन में, सबके सब लोग सच बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपको बताना है, एवरेज बताना है किसका, डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ द राघव। ठीक है, कि जो भी संभव उसके वजन हो सकते हैं उसका औसत आपको निकालना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं, ध्यान से बात समझिएगा भाई। एक बात तो पक्की है, क्या कि 64 से तो ज्यादा होगा, लोएस्ट वैल्यू देख लेता हूं मैं। ठीक है, लोएस्ट वैल्यू क्या आ गई, 64 से तो ज्यादा होगा, 60 से ज्यादा तो 61 62 63 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बोल रहा है 64 से ज्यादा, तो लोअर लिमिट तो मैंने काट दी 60 वाली, तो 64 से ज्यादा होगा ये बात मुझे पता लग गई। अब मैं अपर लिमिट पे जाता हूं, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कहां नजर आ रहा है मेरे को, ध्यान से देखिए, मैक्सिमम मुझे नजर आ रहा है 74, तो भैया ये तो लेस है, लेकिन 69 ये भी लेस है। इक्वल्स टू कहां पर है, यहां पर है 68 और यहां पर है 67, और ये लेस देन इक्वल्स टू 67 का मतलब है कि भैया 67 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो भैया मैं ये बोलूंगा कि भैया ये लेस देन इक्वल्स टू 67 आएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो भाई, 64 तो मिनिमम 64 से तो ज्यादा होगा, 64 के साथ इक्वल नहीं लगा हुआ यहाँ पर, नहीं तो 64 भी संभव हो जाता। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हम बोलेंगे 64 से बड़ी होगी, पर जब हम ऊपर की वैल्यू पर आए तो हमने देखा 74 से कम तो 69 आ गया, तो 74 कट गया, 69 से कम तो 68 आ गया, तो 69 कट गया, 68 से कम 67 आ गया तो 68 कट गया, तो भैया ये लेस देन इक्वल है, 67 भी हो सकता है, इसलिए मैंने लेस देन इक्वल्स टू लगाया। ठीक है, तो इस बात का मतलब क्या है कि W की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 65 हो सकती है, 66 हो सकती है और 67 भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है। ठीक है, और यही तीन प्रोबेबल वेट है जो राघव के हो सकते हैं, और इन्हीं का मेरे को औसत निकालना है। तो 65, 66, 67 तीन लगातार नंबर है, तो औसत कौन सी चीज होगी, बीच वाला नंबर हो जाएगा 66, 66 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत शानदार सवाल है और जबरदस्त सवाल, यानी पेपर में ऐसा सवाल पूछे जा रहे हैं काफी, और फिर से रिपीट होने के चांस है इनके बहुत। अगला देखिए, अगला है ये मेरे सामने, नंबर 24, 45 ए, 35, 59, 83, 46, बी, 29, 74,
इनका सीरियली नंबर किया गया जैसे वो सीक्वेंस में आते हैं, यानी इसका एक कर दिया, इसका दो, इसका तीन, इसका चार, इसका पांच, छ, सात, आठ, नौ, दस। चलो जी, व्हेन ईच नंबर इज एडेड टू इट्स सीरियल नंबर, प्रत्येक नंबर को उसके सीरियल नंबर के साथ जोड़ा गया। देखिए, ये सीरियल नंबर है और ये नंबर है, ठीक है, इसको इसके साथ जोड़ा गया तो नया जो एवरेज बना वो 55 बन गया। तो हमें बताना है जो मिसिंग नंबर है ए और बी, इनका औसत कितना होगा। तो ध्यान से देखिए मैं इसे कैसे करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि एवरेज कितना हो गया, 55 हो गया जी। कितने नंबर हैं, 10 नंबर हैं, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया मेरा 55 गुणा 10 यानी 550, ठीक है। अब टोटल कैसे आएगा ये देखिए भाई, इनके अंदर ये, इनके अंदर ये, इनके अंदर ये, इनके अंदर ये जोड़ना है। तो मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ कि इसको अलग जोड़ दूं और इसको अलग जोड़ दूं, बात तो एक ही है, तो मैं यही करने वाला हूँ। एक से लेके अगर आप 10 तक जोड़ते हो तो कितना आता है, 55 आता है। n इंटू एन प्लस 1 बटा 2, 10 इंटू 11 बटा 2 जो कि 55 होता है, ये मैंने यहाँ लिख दिया। अगर मैं इनको जोड़ता हूँ तो देखो a प्लस b तो अलग मिलेगा, बाकी बचा हुआ क्या मिलेगा, 2 4 6 3 9 5 14 8 22 4 26 2 28 7 35 350 363 369 372 81 86 91 95 395, ठीक है, ये मिलेगा। तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब, ये आ गई 450, ये आ गई 100। पर हमें क्या निकालना है, a प्लस b का औसत निकालना है, a और b का। तो a और b का जब मैं औसत निकालूंगा, a प्लस b बाय 2 करूंगा जो कि 50 आ जाएगा, 50 मेरा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो बहुत शानदार सवाल, बहुत गजब सवाल, यानी बढ़िया सवाल भाई साहब एकदम, ठीक है। तो वो पुराने वाले जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि वो नहीं आ रहे, पर हमें उस पर फोकस ज्यादा है जो हमारा मिस हो सकता है, क्योंकि पुराने तो हम करके ही जाते हैं, नए में दिक्कत आती है, ठीक है। इसलिए हमने कोशिश करी है नए क्वेश्चन डालने की। अगला देखिए, अगला लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे सामने, वो बोलता है 35 लगातार नंबर हैं जिनका औसत n है, पहले 10 नंबर को हटा दिया जाए और अगले 10 नंबर को शामिल कर लिया जाए, ठीक है, तो एवरेज जो है वो m हो जाता है, एवरेज m हो जाता है। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की वैल्यू 600 है, तो 3m और 5n का औसत आपको बताना है, CHSL के अंदर आया हुआ है ये एग्जाम में, ठीक है। आइए देख लेते हैं, एक से लेके मान लेते हैं 35 तक, मैं अपने आप ही नंबर ले लेता हूं, 3 4 5 इस तरीके से चल रहा है 35 तक, इनका औसत कितना है, n है, ठीक है, 10 यहां पर है मान लेते हैं, यहां से 11 12 13 35। अब वो क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। वो बोलता है कि पहले 10 नंबर को हटा के अगले 10 नंबर ले लिए गए, यानी इन सबको हटा दिया मैंने, अब मैं 11 से लेता हूं, ठीक है, अगले 10 नंबर यानी 45 तक, ठीक है, ये ले लिया मैंने, ध्यान से देखिएगा। तो अब जो औसत हो गया वो m हो गया, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर आपको दे रखा है, अब चीज को ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से भाई, पहले 35 नंबर मैंने अपने हिसाब से ले लिए, एक से लेके 35 तक, फिर मैंने 11 से लेके 45 तक लिए, ठीक है। अब ध्यान से समझनी है सबको बात, देखिए मैं क्या देख सकता हूं, इसके बाद 35 के बाद क्या शुरू होगा, ध्यान से देखना, और भी तरीके हैं, देखिए 35 तक यह आ गया, इसके बाद आएगा 36 37 38, इस तरीके से चलेगा। जब मैं आपसे एक बात बोलता हूं ध्यान से बात समझना, ठीक है, अगर इसके आगे मैं 36 37 38 इस तरीके से चलता हूं, इनको हटा देता हूं, ठीक है, आप ये देखो फर्क क्या पड़ा, टोटल में क्या फर्क पड़ेगा भाई, ये 35 ज्यादा, ये 35 ज्यादा, ये 35 ज्यादा, तो 35 35 ज्यादा आता रहेगा सबके अंदर, ठीक है। अगर मैं इन्हें हटाता हूं और आगे वाले नंबर को शामिल करता हूं,
भाई एक और 36 में कितना अंतर है, 35 का, फिर 35 का, फिर 35 का, आखिर में जाएंगे 45 तक। तो भैया 10 और 45 में कितना है, फिर 35 का। तो यानी टोटल में कितना बदलाव आ जाएगा, 35 गुणा 10, टोटल में ये बदलाव आ जाएगा। और औसत में कितना बदलाव आएगा, तो भैया इसे 35 से भाग कर देते हैं क्योंकि 35 संख्या है, औसत में बदलाव आ जाएगा 10 का। तो यानी हम ये बात बोल सकते हैं कि भैया n प्लस 10 बराबर हो जाएगा किसके, m के। हमने केवल ये देखा है कि औसत में कितना बदलाव आएगा, ये आप बिना पेन के भी देख सकते हो कि भैया 1 से लेके 35 तक है, अगर मैं 1 से लेके 10 तक हटाता हूँ और 36 से 45 तक डालता हूँ तो हर नंबर जो 10 तक है वो 35-35 बढ़ गया, तो टोटल में कितना बढ़ गया, 350, और औसत में कितना बढ़ गया, डिवाइड बाय 35 यानी 10 बढ़ गया। तो जो औसत n थी अब वो n प्लस 10 हो जाएगी, जो m की वैल्यू है। तो हम बोल सकते हैं m माइनस n कितना है, 10 है, और m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर 600 है, यानी m माइनस n गुणा m प्लस n ये बराबर है किसके, 600 के। ये है 10 के बराबर हमारा, तो ये आ गया किसके, 60 के। तो हम बोल सकते हैं m प्लस n कितना आ गया, 60 आ गया। अब यहाँ से m और n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, अगर m निकालता हूँ तो 35 आ जाएगा जोड़ के 2 से भाग, n निकालता हूँ तो 25 आ जाएगा घटा के 2 से भाग। अब उसने क्या पूछा है, उसने पूछा क्या है, 3m और 5n का औसत। तो 3 गुणा m प्लस 5 गुणा n बटा दो, क्योंकि इनका औसत पूछा है उसने। तो ये आ गया 105 और 125 यानी 230, इसको 2 से भाग कर दूंगा 115 आ जाएगा, 115 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए गिनती के 4 सवाल कराए हैं मैंने आपको, गिनती के 4 सवाल, पर ये ऐसा तजुर्बा ऐड करेंगे आपकी तैयारी में कि आपको मजा आएगा और आपको वाकई में ये रियलाइज होगा कि भैया अब पैटर्न में क्या आ रहा है। ठीक है, चारों ही क्वेश्चन एसएससी के हैं, मेरा मानना ये है कि भाई ऐसे क्वेश्चन करके जाइए, बढ़िया रहेगा। ठीक है, और क्लास पसंद आई हो तो भाई लाइक दिल से जरूर दबाना और कमेंट करके जरूर बताना क्या आपने कुछ सीखा इस क्लास से। ठीक है, और जो भी बच्चे कैलकुलेशन की मार झेल रहे हैं, लगातार उन्हें लगता है कि कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, दिक्कत आ रही है, आप सबके लिए हैक बुक है, हैक बुक मैथ्स की ऐसी हैक बुक जो पूरे भारतवर्ष में नहीं है। ठीक है, ये बुक अपने आप में इतनी खास है कि इसके लिए मेरे को ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बच्चे अपने आप ही कमेंट में आपको बता देंगे जगह जगह कि क्या इसके अंदर खास है। तो पूरी ज़िंदगी की अपनी जितनी मेहनत थी वो मैंने इसके अंदर झोंक दी है। तो आप चाहें तो इसे फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, जिस बच्चे को कैलकुलेशन की दिक्कत आती है, जिस बच्चे को स्पीड की प्रॉब्लम आती है, ठीक है 100% इलाज हो जाएगा, पर शर्त ये है कि लेने के बाद मन लगा के करनी भी होगी, जो नहीं कर सकता वो मत लेना। ठीक है, केवल उन्हीं बच्चों के लिए जो साथ के साथ किताब के खुद भी मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में देखिए किताब खरीदना कोर्स खरीदना तो बहुत आसान है, मुश्किल है तो उसे पूरा करना। ठीक है, क्योंकि एक बटन दबाते ही पेमेंट हो जाती है और आ जाती है चीज़ घर पे। ठीक है, पर मुश्किल क्या है, उसे मन लगा के पूर्ण तरीके से पढ़ना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में कुछ और खास लेकर आएंगे, जब तक अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।